मराठी अक्षर भारती इयता 10वी मराठी स्टैंडर्ड 10 संत वाणी योगी सर्व काल सुख दाता कवि संत एकनाथ 1533-1599 जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पाखोवा जेवी पिलियांसी जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदुत्व जळ वरी वरी क्षाळी मळ योगी यास बाह्य करी निर्मळ उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्व काळ सुख दाता उदकाचे सुख ते किती सवेची क्षणे तृषी ते होती योगी या दे स्वानंद तृप्ती सुखासी विकृती पै नाही उदकाची जे मधुरता ते रसने सीची तत्वता योगी या गोडपण पाहता होय निववीता सर्वेंद्रिया मेघमुके अधपतन उदकाचे देखोनी जाण अधपाते निवती जन अन्नदान सकळांसी तैसे योगियासी खालू ते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी एक्सप्लेनेशन जेवी चंद्र किरण चकोरासी जैसे चकोर के लिए चंद्र किरण होता है चंद्र किरण खा के वो उसका पेट भर जाता है ऐसे इमेजिनरी वो बर्ड है पाखोवा जेवी पिलियांसी जैसे पक्षी के बच्चों के लिए पक्षी के जो पंख होते हैं वो सहारा होते हैं जीवन जैसे का जीवांसी जीवन का अर्थ यहाँ पे पानी लिया हुआ है तो जिंदा रहने के लिए जैसे पानी की ज़रूरत है जीवन जैसे का जीवांसी जीवांसी अपने जिंदा रहने के लिए जीवन चाहिए पानी चाहिए तेवी सर्वासी मृत्युत्व उसी तरह हर इंसान को कोमलता पसंद होती है जल वरी वरी क्षाळी मळ पानी अपने जिस्म के मैल को ऊपर ऊपरी तौर पे धो देता है योगी यास बाह्य करी निर्मल लेकिन योगी क्या करता है पूरे अपने शरीर को मन के साथ निर्मल कर देता है साफ कर देता है उदक सुखी करी एक वेळ उदक सुख सुखी करी एक वेळ उदक पानी पानी हमको सुखी करता है एक ही बार योगी सर्व काल सुख दाता लेकिन योगी हमेशा के लिए सुख देता है वो उदकाचे सुख ते किती पानी से जो सुख मिलता है वो कितना है बहुत मामूली है वो सवेची क्षणे त्रुची ते होती उदकाचे सुख ते किती पानी का सुख कितना होता है थोड़ी देर के लिए होता है सवेची मतलब खुद के स्वतः खुद के क्षण मोमेंट्स तृषिते होती थर्स्टी मोमेंट्स थे खुद के मोमेंट्स क्या थे खुद की थोड़ी लाइफ क्या थी प्यासी थी प्यास भरी थी योगी दे स्वानंद तृप्ति योगी दे स्वानंद तृप्ति योगी हमें खुद के आनंद में वो सेटिस्फैक्शन देता है योगी दे स्वानंद तृप्ति
स्वानंद मतलब खुद को आनंद देने वाला और सेटिस्फैक्शन देने वाला। तो योगी हमें वैसा सुख देता है, वैसे आनंद देता है। सुखासी विकृति पै नाही, योगी ने दिए हुए सुख में कोई विकृति नहीं होती, कोई डिफेक्ट नहीं होता। सुखासी विकृति पै नाही, कोई डिफेक्ट के बगैर योगी सुख देता है हमें। उदकाची चे मधुरता ते रसनेसी ची तत्वता, उदक मतलब पानी, पानी की मधुरता मिठास, पानी की मिठास वो थोड़ी होती है, सिर्फ अपने जबान को मीठा लगता है पानी। योगियाचे गोड़पण पाहता, अगर योगी का हम मिठास देखेंगे, होय निवविता सर्वेंद्रिया, मतलब हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सबको वो ठंडक पहुंचाता है, उसका स्वीटनेस, योगी का स्वीटनेस, योगी की मिठास जो है वो हर अपने ऑर्गन को सेटिस्फाई करती है, सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करती है योगी की मिठास। मेघ मुखे अधपतन, मेघ बादल, बादल के मुँह से बारिश होती है, नीचे आता है बारिश। उदकाची देखोणी जान, उदकाचे देखोनी जान, तो पानी का वो नॉलेज देखो, हमारा नॉलेज देखो पानी के बारे में क्या है। अध पाते निवती जन, अध पाते निवती जन, अन्नदान सकणासी, जैसे पानी ऊपर से गिरता है तो लोग देखते हैं उसे, और कुछ पानी क्या होता है वो अनाज उगाने में चले जाता है, क्रॉप क्रॉप तैयार होती है उससे। तैसे योगियासी खालूते येणे, वैसे योगी जमीन पे आता है और इस धरती पे जन्म लेता है। जे इहलोकी जन्म पावणे, इस धरती पे जन्म लेता है। जन निववी श्रवण कीर्तने, लोग उसके कीर्तन सुनते हैं, उसके अच्छे गुण सुनते हैं। निज ज्ञाने उद्धरी, निज मतलब हमारा, हमारा ज्ञान क्या है ऊपर उठाता है, वो ऊंचा करता है।